नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, क्लास नंबर 18 17 तक दोस्तों हो गया है। यूपी ट्रिपल एस सी एनम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन लेखपाल अन्य महत्वपूर्ण भर्ती में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही आप लोग को कराऊँगा दोस्तों। सीरियल वाइज आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्लास नंबर 18 में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत समय देना पड़ता है। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिछली बार की तरह इस बार भी पीईटी की क्लास चल रही है। पिछली बार पीईटी की क्लास में बहुत सारी एनम बहनें क्वालिफाई हो गई थी, बहुत अच्छे से जो है उनका नंबर आया था। और जो यूपी ट्रिपल एस सी एनम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का परीक्षा हुआ है उसमें भी मेरी पढ़ाई बहुत सी अभ्यर्थियां, लगभग 2500-3000 अभ्यर्थियां ऐसी हैं कि जो मेरी ही क्लास अटेंड की थी और अच्छे नंबर पाकर जो है सिलेक्ट हुई हैं, फाइनल सिलेक्ट हुई हैं। तो आप लोग को भी अगर अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हर टॉपिक दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी लेक्चर ना छोड़िएगा। भारत के वन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वह देख लिया जाता है। मृदा अपरदन को वनारोपण से रोका जाता है, मतलब मिट्टी जो कटती है उसको अगर रोकने का एक रास्ता है तो पेड़ लगाना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। पलाश या ढाक, हमारे यहाँ जो ढाक का पेड़ होता है को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। फर्न एक संवहनीय पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक वनिकी में प्रयुक्त बहुद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। देवदार का वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। दोस्तों सिनकोना जो है मलेरिया का जब होता है तो उसके लिए भी काम में आता है सिनकोना का छाल जो है। सिंचाई व्यवस्था से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उसके बाद नहर 20% है, तालाब झील पोखरा तथा कुआँ 6.6% व अन्य साधन 0.6 से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजना से पूरा होता है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर 1927। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है दोस्तों, हरिद्वार जो है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली जनक की उपमा मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को प्रदान किया गया है दोस्तों, यह पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, जबकि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की 1978 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है और देश की सबसे लंबी नहर की बात हो रही है, यह है इंदिरा गांधी नहर। यह 649 किलोमीटर पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में हुई थी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल गन्ना 93.7%, उसके बाद गेहूँ 91.3% है। मेरठ सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर में मुख्यतः पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। घटीमा जल विद्युत गृह शारदा नहर पर बनाया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था। दोस्तों प्रमुख बांध हैं उससे कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपको पता ही है, नूरेक बांध है तजाकिस्तान में 300 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध है
यूसोई बांध तजाकिस्तान में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड पर है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड ओडिशा में है। देखिए दोस्तों, भारत का अगर पूछता है सबसे ऊंचा तो टिहरी बताइए, और सबसे लंबा पूछता है तो हीराकुंड जो है महानदी उड़ीसा में। यह सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सर हिंद नहर, देखिए सर हिंद नहर, सतलज नदी, पंजाब त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, बिहार मैटूर बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में तालाब द्वारा सिंचाई दो शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु है। भारत में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई शीर्ष दो राज्य उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं, दोस्तों इससे भी पूछा गया क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना और किस जिले में है? सिंगरौली में सिंगरौली जो परियोजना है यह सोनभद्र में है पूछा गया है। रिहंद जो है सोनभद्र में है। दादरी, गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अम्बेडकर नगर, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज, अलीगढ़, परीक्षा झांसी में। आगे बढ़ते हैं, बरगी ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नांगल दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पर बना है। तो किससे किससे है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम से। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है अक्सर पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है हीराकुंड बांध, ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। महत्वाकांक्षी परियोजना है दोस्तों, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर परियोजना। यह लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत तीन बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी का यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1987 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंडापोंग में हुई थी। चुखा जल विद्युत परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। अलमपट्टी बांध कृष्णा नदी पर, मेंटूर बांध कावेरी नदी, पोंग बांध ब्यास नदी और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। महाकाली बांध और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? परियोजना जो है, देखिए दोस्तों, नदी और राज्य किससे संबंधित? हीराकुंड जो है महानदी पर, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछा है, भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य से संबंधित है। इडुक्की पेरियार में है, केरल में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश, तेलुगु गंगा कृष्णा नदी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है। मयूराक्षी में पश्चिम बंगाल दोस्तों। माता टीला यह पूछा गया क्वेश्चन है, माता टीला बेतवा नदी पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद
गोदावरी नदी पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्रम यह भी पूछा है, शिव समुद्रम भी पूछा गया है, कावेरी नदी कर्नाटका में है। जायकवाड़ी गोदावरी पर है, महाराष्ट्र में है। रतपोंग कलपोंग अंडमान व निकोबार पर है। फरक्का गंगा नदी पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। काकरापार ताप्ती नदी गुजरात में है। रिहंद परियोजना रिहंद बांध पर है, सोनभद्र में है। उकाई ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है दोस्तों। कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तपोवन और विष्णु गंगा अलकनंदा उत्तराखंड में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब पर है, जम्मू कश्मीर में है। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना तीस्ता नदी पर है, सिक्किम में है। जवाहर सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान है। राणा प्रताप सागर चंबल पर है, राजस्थान में है दोस्तों। अब देखते हैं बाणसागर सोन नदी, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तर प्रदेश में है। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार एवं नेपाल पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार एवं नेपाल में है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू एवं कश्मीर पर है। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। भीमा परियोजना पवना एवं कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में। अब खनिज से क्या क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिया जाता है दोस्तों। खनिज से है अरबों खरबों वर्ष तक भूपटल में दबे शैलों से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ है प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएँ होती हैं और जिसकी नियति को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मोटे तौर पर खनिजों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। ईंधन खनिज फ्यूल मिनरल्स जिसको कहते हैं, कोयला लिग्नाइट कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस। धात्विक खनिज जिसको मेटैलिक मिनरल्स कहते हैं, बॉक्साइट लोहा अयस्क ताम्र अयस्क मैगनीज इत्यादि है। अधात्विक खनिज जो नॉन मेटैलिक मिनरल्स होते हैं उसको हम बायराइट एपेटाइट एंडुलसाइट काइनाइट इत्यादि हैं। लघु खनिज जो हैं मिट्टी की ईंट जो होती हैं, कंकड़ भवन निर्माण में प्रयुक्त पत्थर सामान्य मिट्टी इत्यादि होते हैं। एल्युमिनियम एवं एल्युमिना का उत्पाद बॉक्साइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का एवं एल्युमिना का उत्पाद जो है बॉक्साइट से हम करते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों। सर्वाधिक 48% एल्युमिनियम की खपत विद्युत उपयोग में की जाती है। बॉक्साइट उत्पादन एवं संचित भंडार दोनों में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। अक्सर पूछा जाता है बॉक्साइट का प्रथम स्थान और भंडारण कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। बायराइट्स खनिज के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स का भंडार है। भारत का बायराइट्स उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान में होता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान में होता है। सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा में होता है। संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टि से उड़ीसा का एकाधिकार 96% है। कोयले का कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड का प्रथम स्थान है, जबकि उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है कोयले का। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार है। कुल ताम्र अयस्क भंडार में प्रथम स्थान राजस्थान का है, उसके बाद झारखंड व मध्य प्रदेश का है। ताम्र अयस्क के भारत में तीन महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू बालाघाट सिंहभूमि यही हैं तांबे के लिए। पूछा गया क्वेश्चन है भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक ताम्र मतलब तांबा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। तांबे का सर्वाधिक उपयोग केबल एवं बाइंडिंग वायर उद्योग में होता है। वर्तमान में भारत में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला इसके उत्पादन का प्रमुख स्थान है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है और पन्ना जिले के। सर्वाधिक स्वर्ण धातु भंडार कर्नाटक में है। भारत में स्वर्ण की खाने कर्नाटक में कोलार एवं रायचूर में
तथा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एवं चित्तूर में है। हेमेटाइट एवं मैग्नाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट अयस्क का 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है, जबकि उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। अभ्रक जिसको हम कच्चा जो है का उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। प्रमुख संयंत्र एवं राज्य देख लेते हैं दोस्तों। कारखाना जो है जो पूछे गए हैं वही आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। पीटी में पिछली बार जो प्रश्न बने थे मैं आप लोग को बताया था, लास्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था दोस्तों, बहुत ही प्रश्न उसमें से फंसे से। बोकारो इस्पात संयंत्र, वीडियो को शेयर करते जाइएगा दोस्तों। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। इंटीग्रल कोच कारखाना तमिलनाडु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में है। हिंडाल्को रेनुकूट सोनभद्र में है। बालको कोरबा में है। टाटा स्टील जमशेदपुर में है। नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में है दोस्तों। चांदी स्वर्ण के सह उत्पाद के रूप में तथा लेड जिंक एवं ताम्र अयस्क से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चांदी की खानें भारत में सर्व प्राप्त नहीं होती हैं। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है, जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला रिलायंस देश में सबसे बड़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मंगलुरु है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। कुंद्रेमुख बेलाडीला प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। संगमरमर का कायांतरिक चट्टान है, जो चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है। भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत जो है गोंडवाना शैल तंत्र है। कोरबा तालछेर नामचिक नामफुक सिंगरेनी नवेली झरिया सिंहभूम गिरडीह विश्रामपुर रानीगंज आसनसोल आदि ये सब क्या है, कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों। सोनाई क्योंझार मयूरभंज सिंहभूम हजारीबाग पलामू धनबाद बस्तर दुर्ग बिलासपुर बिलवारी चिकमंगलूर चीतला कुंद्रेमुख कर्नाटक में है आदि क्षेत्र ये सब लौह अयस्क के प्रमुख हैं दोस्तों। खेतड़ी सिंघाना मोसाबीना बानी धोवानी पूर्वी सिंहभूम बादाम पहाड़ मलाजखंड बालाघाट प्रमुख ये सब तांबे के लिए हैं। कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र देश का 99% स्वर्ण का उत्पादन होता है। भारत के झारखंड राज्य 132 खाने हैं दोस्तों। सर्वाधिक कोयले अवस्थित हैं झारखंड में। अक्सर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कोयले की खाने कहाँ है, झारखंड में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम के माकूम क्षेत्र में वर्ष 1867 में खोदा गया। तदुपरांत डिगबोई में वर्ष 1889 में तेल कुएं की खुदाई की गई। तो अक्सर पूछा जाता है तेल के लिए जो है डिगबोई। पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र हैं असम डिगबोई सुलाघाटी गुजरात खंभात अंकलेश्वर एवं महाराष्ट्र बॉम्बे हाई। यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल जामनगर कोयली नुमालीगढ़ डिगबोई बरौनी कोची तातीपाका यह प्रमुख जो है तेल शोधन शालाएँ हैं दोस्तों। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य बाड़मेर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और इंडियन आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा का माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरल के समुद्र तटीय पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पर पाया जाता है। जादूगुड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में
स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय थर्मल तापीय ऊर्जा का है, इसके बाद जलीय पवन और परमाणु का अंश है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1971 में हुई थी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक बताया हूँ। अगले लेक्चर में प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र और संबंधित राज्य जो हैं वह बताऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्लास 19 में जो है आप लोग को यहाँ से बताया जाएगा प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र और संबंधित राज्य। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।